हिंदुस्तान मेरी कौन सा भारतवासी है जो भारतरत्न नहीं बनना चाहेगा? आपका शुभ नाम? मैं मानव बोल रहा हूँ सर। मानव, धन्यवाद मानव। यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप कॉलर, इसको देख रहे हैं, इनके जवाब भी आप दे सकते हैं, मेरे बजाय आप जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ने जाएंगे, उनको भी हम लेंगे साथ साथ में। हम आपको स्क्रीन पर सचिन के रिकॉर्ड, सचिन से जुड़े हुए कार्टून, फेसबुक, ट्विटर पर प्रतिक्रिया दिखाते ही आए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की भी प्रतिक्रिया। उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के सुप्रीमो है, नेता है, कार्याध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा इस पर, यह प्रतिक्रिया हम आपके सामने दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे जी की यह प्रतिक्रिया। हा विक्रमामागून विक्रम रचत चाललेला आहे, मी मोडत चाललेला असं मी म्हणत नाही आहे, कारण तो स्वतःच एक विक्रम आहे आणि विक्रमादित्याचं यथोचित। उद्धव जी की प्रतिक्रिया को इसलिए भी महत्व है कि क्योंकि सामना में एक समय बाला साहब ने उनके सचिन के खिलाफ कुछ लिखा था, हालांकि ये उनको एक बड़े के नाते कुछ सलाह दी गई थी ऐसा कहा गया, और इसलिए उद्धव ठाकरे जी के इस सलाह को या इस मांग को विशेष महत्व। हम राज बब्बर जी का भी यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस साल शतकों का अर्धशतक लगाया और देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए। धन्यवाद। शतकों का अर्धशतक लगाया इसलिए मिलना चाहिए, और कल थोड़े दिनों में शतकों का शतक भी सचिन का पूरा हो जाएगा जो दुनिया में किसी के नाम पर नहीं है। रिकॉर्ड के बादशाह सचिन तेंदुलकर भारत के इस पुरस्कार के बादशाह क्यों नहीं बन सकते, ये सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। और एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे, साथ साथ में आप भी कॉल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं नंदुरबार से रवि झंडारे बोल रहा हूँ। बोलिए रवि जी। सचिन तेंदुलकर, अगर सचिन तेंदुलकर को अपने भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जा सकता तो भारत में किसी भी रत्न को, किसी कोई रत्न उसके लिए बरोबरी का रत्न नहीं है आज। बिल्कुल, मतलब सचिन इसके लिए सबसे ज्यादा पात्र है, क्वालिफाइड है ऐसा। अगर कोई रत्न है भारत में तो केवल सचिन तेंदुलकर ही रत्न है। बिल्कुल। हाँ जी, धन्यवाद। नंदुरबार महाराष्ट्र के बहुत ही दुर्गम क्षेत्र से ये कॉल था, और वहां पर भी सचिन की महानता के चर्चे है बल्कि मांग है। आप भी कर सकते हैं, यहाँ पर सचिन के पक्ष में एसएमएस करने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, प्रतिशत 100 पहले ही हो चुका है, लेकिन सचिन के गुणगान करने वाले लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सचिन बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और छोटों का भी मान रखते हैं, ऐसे जेंटलमैन को ये पुरस्कार मिलना जरूरी है। और एक कॉलर। हाँ बोलिए। मैं बीपी सिंह बोल रहा हूँ मथुरा से, विनय प्रताप सिंह। बोलिए विनय जी। मैं आपसे बात कर रहा था। हाँ हाँ जी, हाँ बात कराइए। हाँ हाँ बोल रही है, बोलिए। हाँ हाँ सर, अभी मैं बात कर रहा था, सचिन को तो मिलना ही चाहिए, सचिन जैसा खिलाड़ी इस देश को अभी तक मिला नहीं है, और इन्होंने इतना लंबे समय के लिए काम किया है और देश के लिए किया है, इसलिए इनको मिलना ही चाहिए, किसी भी हालत में मिलना चाहिए। धन्यवाद। किसी भी हालत में मिलना चाहिए, मथुरा से ये कॉल था और कॉलर कह रहे हैं किसी भी हालत में मिलना चाहिए। सचिन के रिकॉर्ड बताने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सब जानते हैं, बल्कि इतने रिकॉर्ड शायद ही दुनिया की किसी व्यक्ति के किसी देश में जाने जाते हो। इतने रिकॉर्ड के साथ सचिन आज मैदान पे उतरने भर से ही रिकॉर्ड बना देते हैं। इस रिकॉर्ड के बादशाह को देश का ये सर्वोच्च सम्मान मिलने की मांग हो रही है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी। हेलो सर, बोलिए। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ सऊदी अरब से, मुझे। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़े हैं। जी मैं सऊदी अरब से मुझे बोल रहा हूँ। जी मैं सऊदी अरब से मुझे बोल रहा हूँ। आगे बोलिए। सवाल है कि सचिन को भारत रत्न देना चाहिए, सचिन ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, काफी रिकॉर्ड बनाए हैं, सदकों का अर्धशतक सचिन ने बनाया है, और फिर सदकों का शतक बनाने के करीब है सचिन, सचिन को देना चाहिए भारत रत्न। बिल्कुल, सचिन ने दोहरा शतक भी लगाया है वनडे में। धन्यवाद।
सचिन ने दोहरा शतक लगाया है और एक एसएमएस और आया है। एसएमएस में कहा गया है कि सचिन एक ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में कोई भी निगेटिव बात आज तक ना मीडिया में आई है ना समाज में जिसकी चर्चा है। ये पूरी तरीके से पॉजिटिव पर्सन है। राजेश टी राजेश कह रहे हैदराबाद से और भी कॉलर है। हाँ बोलिए। हेलो हेलो हाँ नमस्कार। हेलो आई एम सचिन। हेलो मैं सचिन बोल रहा हूँ बहरीन से। हाँ बोलिए। सचिन सचिन एक ऐसे खिलाड़ी है कि वो हिंदुस्तान को हर चीज का एक डेमो दिखाया कि छोटा उम्र में तकरीबन मेरे ख्याल में 16 उम्र में उन्होंने गेम खेलने के लिए आया है। तब से लेकर अभी तक बहुत ईमानदारी से कोई गर्व नहीं है उनके पास। एक छोटा सा व्यक्ति भी अगर गेम में या कोई भी चीज में आगे बढ़ते हैं तो कुछ दिन के बाद अपना रास्ता बदलते हैं, लेकिन सचिन ने अभी तक वही सीधा रास्ता पकड़ा है और बहुत पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरा दुनिया का दिल जीता है। और दूसरी बात उनके खिलाफ कोई घोटाला नहीं है। सबसे इज्जत कर रही थी खेल दिखा के हिंदुस्तान के इज्जत को दुनिया के सामने ऊंचा किया। बिल्कुल आप बिल्कुल आप गल्फ कंट्रीज से बोल रहे हैं, वहाँ तो क्रिकेट नहीं देखा जाता ज्यादा, फिर भी वहाँ पर सचिन कितना लोकप्रिय है। हेलो हाँ हाँ जी। सचिन की वहाँ पर पॉपुलैरिटी कितनी है, लोकप्रियता कितनी है। हेलो शायद आवाज नहीं जा रही। धन्यवाद। ये बहरीन से कॉल था, गल्फ कंट्रीज से भी काफी कॉल आ रहे हैं और वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैं बॉम्बे कुर्ला से बोल रहा हूँ। हाँ क्या कहेंगे। हेलो हाँ आप लाइव जुड़ चुके हैं, बोलिए। सचिन तेंदुलकर को अभी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए भारत रत्न का अवार्ड? क्यों नहीं देना चाहिए? सेंचुरी पूरे होने में तभी देना चाहिए। कब देना चाहिए? हेलो 100 शतक पूरे होने के बाद उनको देना चाहिए। अच्छा धन्यवाद। 100 शतक पूरे होने के बाद देना चाहिए, अब नहीं देना चाहिए, ये एक और अमेंडमेंट एक कॉलर ने कही। हालांकि देना चाहिए, इस पर वो पॉजिटिव है, लेकिन 100 शतक होने के बाद देना चाहिए। और एक कॉलर। हेलो 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 हाँ बोलिए। हाँ सुदर्शन टीवी से सर। हाँ आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए। हम कॉलर को कहेंगे कि आप मेरे से बात करते समय अगर पूछेंगे कि क्या ये सुदर्शन टीवी है तो आप तैयार नहीं है बातचीत के लिए। इसका मतलब ये होता है थोड़ा सा सोचिए, तय करिए, सचिन जैसी शॉट लगाइए कॉल करके कि एग्जैक्ट आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत ज्यादा प्लेड मत करिए, बॉल खराब मत करिए, इसलिए कॉल का सही उपयोग करिए। और एक कॉलर भी जुड़ेंगे साथ साथ में। यहाँ पर राज बब्बर की भी प्रतिक्रिया हम यहाँ पर। हाँ बोलिए। भारत में मिलना चाहिए जो हेलो हाँ जो लता मंगेशकर वो जितनो आदमी को मिला है सिर्फ भारत से मिला है, जो सिर्फ भारत के अंदर में ही उनका पॉपुलरिटी है। लेकिन आप जो सचिन को देखेंगे हाँ तो वर्ल्ड में उनका जो है वर्ल्ड में उनका परफॉर्मेंस बहुत ये है जिसके लिए सचिन इंडिया सचिन के लिए बहुत फेमस है। और सचिन को ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया, उसमें उनको भगवान पे मानते हैं। बिल्कुल। जो अभी एक ये हुआ था जो एक पॉपुलर ये हुआ था उसमें सचिन को 67% उनको बोला कि उनको भगवान का ये मैम उनको मिला गया है। बिल्कुल। इसीलिए मेरा बात है कि सचिन को भारत में मिलना चाहिए, जिसके लिए इंडिया उसको थोड़ा ये फेमस है उसको। बिल्कुल जगत विख्यात है सचिन, दुनिया में जाने जाते हैं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जहां पर क्रिकेट भी नहीं खेला जाता, ऐसे देशों में भी सचिन की लोकप्रियता है। सचिन मतलब भारत, ऐसी आइडेंटिटी है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते क्या कहते हैं। हेलो हाँ मैं मुंबई से भूपेंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए भूपेंद्र जी। हाँ मैं जानना चाहता हूँ सचिन जी को भारत रत्न मिले ये बात तो सही है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बात भी पूछना चाहता हूँ सरकार से कि देश के विकास और नाम में तो हिंदुस्तान का किसान और मजदूर भी सहयोग करता है और सबसे ज्यादा करता है, क्यों ना उसको भारत रत्न दिया जाए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं भूपेन जी। भूपेन जी बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, धन्यवाद। यहाँ पर
ऐसे ही भूपेन जी जो कॉलर है मुंबई से कॉल करते हुए किसान और आम आदमी की बात कर रहे, उसके साथ एक और एसएमएस है, उस एसएमएस में कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी आज तक किसी सरकार ने भारत रत्न नहीं दिया है, इसकी भी मांग कर रहे हैं वी घोष कोलकाता से एसएमएस कर रहे। और भी एक कॉलर है उनके, उनसे भी बात करेंगे, साथ साथ में हम आपको स्क्रीन पर फेसबुक ट्विटर की प्रतिक्रिया भी दिखा रहे, आप भी सुदर्शन टीवी के ट्विटर फेसबुक और ऑर्कुट के अकाउंट पर जाके बात कर सकते हैं, हम एक विशेष ईमेल भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले कॉलर, हेलो, हाँ, ये आप सचिन के बारे में जो है, हाँ, तो भारत रत्न मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? हेलो, हाँ, क्यों मिलना चाहिए ये भी बताइए, मिलना चाहिए तो सब बता रहे। वो तो महान खिलाड़ी है, अभी वैसा खिलाड़ी होना मुश्किल है बोल के मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल धन्यवाद। कौन सा भारतवर्ष ये जो भारत रत्न नहीं बनना चाहेगा।